एक तरफ इस समय पूरा देश कोरोना संक्रमण की वजह से जूझ रहा है और कोरोना से मौत के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र में एम्बुलेंस संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर अपनी अपनी एम्बुलेंस को थीम पार्क में खड़ा किया। एम्बुलेंस संचालकों का कहना है उन्हें ऑक्सीजन गैस नहीं मिल रही, बिना ऑक्सीजन के एम्बुलेंस वो कहीं भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि मरीजों के परिजन उनसे लड़ते और झगड़ते हैं कि बिना ऑक्सीजन के एम्बुलेंस को नहीं ले जाया जाएगा। ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल हो रही हमें और पेशेंट हमें बोलते हैं आप जानबूझ के हमें गाड़ी नहीं दे रहे हैं कि आपको हम पूरे पेमेंट नहीं दे रहे। हमने कहा सर हमारा गवर्नमेंट रेट 15 रुपये है और लोकल 500 रुपये BLS का, और बड़ी गाड़ी का 1200 रुपये है लोकल और 2800 रुपये किलोमीटर है, जिसमें हमें डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर 900 रुपये का मिल रहा है सर, जो कि हॉस्पिटल को 325 रुपये का मुआयना हो रहा है, और बी टाइप हमें 500 रुपये का मिल रहा है। हमने उनसे 900 रुपये का सिलेंडर तो ले लिया सर, हमने कहा बिल तो दे दो हमें 900 रुपये का, उसके बाद उन्होंने वो भी सिलेंडर देना मना कर दिया। ना ही हमें कोई पीपी किट मिल रही गवर्नमेंट की तरफ से, ना कोई सैनिटाइज मिल रहा। जान हथेली पर रखकर लोगों जान के थैली रखकर जी लोगों की हम सेवा कर रहे हैं इस उसमें जी। तो कहाँ से कहाँ आप लोग जा रहे, दिखते कहाँ कहाँ आ रही हैं, कितनी एम्बुलेंस हैं जो आप लोग आज एक दिन के सर कुरुक्षेत्र थानेश्वर ब्लॉक की है सभी एम्बुलेंस जो यहाँ पर खड़ी है। हमें ऑक्सीजन के लिए हमें कई बार SDM साहब से मिल लिए, ADC साहब से मिल लिए, CTM मैम से मिल लिए, वो बोल रहे कि हम जल्दी से जल्दी कराएंगे। एक दिन SDM साहब बोले कि मैंने बोल दिया है सेक्टर 2 में चले जाओ, विकास सर मिलेंगे वहाँ पर। विकास सर के पास गए तो बोले कि 10 सिलेंडर के लिए मेरे पास परमिशन आई है। मैंने कहा जी हम भेज रहे हैं 10 सिलेंडर आप दे दिए। थोड़ी देर के बाद कॉल आते कि अभी नहीं लेके आने। तो मेन मुद्दा क्या है, क्यों आप लोगों ने बस ऑक्सीजन का मेन मुद्दा है सर। मान लो 900 रुपये का सिलेंडर लेके हम 2-2 घंटे किसी हॉस्पिटल में खड़े रहेंगे तो 15 रुपये किलोमीटर में कैसे वारा खाएगा फिर। क्या डिमांड क्या है आप लोगों? बस ऑक्सीजन या तो हमें फ्री कराई जाए या हमें पैसे में दिए तो हम इसका एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे ऑक्सीजन का। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहन गर्ग है सर। करनाल के अंदर हमारे से 4 गुना 5 गुना ज़्यादा एम्बुलेंस है, DC साहब ने वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट करा दिया ऑक्सीजन। हाँ तो हम 15 रुपये और 2800 रुपये जो गवर्नमेंट रेट है उसके चलने के लिए तैयार है। क्या नाम आपका? मेरा नाम रोशन है सर। क्या बताएंगे रोशन जी, क्या दिक्कत है? दिक्कत सर ये है, दिक्कत ये है सर, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो रही है प्राइवेट एम्बुलेंसों को, जिसकी वजह से हमें पेशेंट को बहुत दिक्कत आ रही है। पेशेंट हमें फ़ोन करते हैं, अभी गाड़ी भी जो पेशेंट हमारा लेके जाना है, हमें चंडीगढ़ जाना है या लोकल कहीं जाना है, तो ऑक्सीजन है नहीं है, पेशेंट हमारे साथ लड़ते हैं आके, तो हमें ऑक्सीजन जब तक प्रोवाइड नहीं की जाएगी हम क्या करेंगे। गाड़ियाँ खड़ी है हमारे पास, पेशेंट हमारे साथ लड़ने को बहुत तैयार है। हम चाहते हैं प्रशासन से हमें कि ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते। PPE किट वगैरह हमें वो नहीं मोबाइल हो रही है, सैनिटाइजर नहीं हमें हमारे पास, हम अपनी जान पे हथेली पे खेल के कोरोना पेशेंट को इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए हाँ तो हम 15 रुपये और 2800 रुपये जो गवर्नमेंट रेट है उसके चलने के लिए तैयार है। हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए, PPE किट और ऑक्सीजन दिलाई जाएगी अपने एम्बुलेंस के चलाएं सर जो। हाँ हमने एम्बुलेंस अभी नहीं रोकी है, कोई हमारी हड़ताल नहीं है एम्बुलेंस की, हमने हड़ताल की है, हम चला रहे हैं अभी चला रहे हैं। जो नॉर्मल पेशेंट कोई अभी अभी एक आधा में मिल रहा है हमें उनमें जा रहे हैं, पर जो ऑक्सीजन मांग रहे हैं उनके लिए हम मना करना पड़ रहा है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार कोरोना के चलते स्वास्थ्य सेवाओं समेत ऑक्सीजन को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन कुरुक्षेत्र में इन एम्बुलेंस चालकों की मांग सरकार के इन दावों की पोल खोल रही है। ऐसे में एम्बुलेंस चालक कह रहे हैं कि वो एम्बुलेंस चलाने के लिए राजी हैं अगर उन्हें ऑक्सीजन गैस मुहैया कराई जाए, जिसके बाद वो सरकार की मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन वो प्रशासन से कई बार मिले फिर भी उनकी कोई फरियाद नहीं सुनी जा रही है। कुरुक्षेत्र से भारत साबरी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।